फ्रेंड्स राम राम जी, मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मी एंड यू में। तो जैसा कि आज आपने टाइटल में देख लिया है, हम बनाने वाले हैं घी का हलवा, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट और घर में सभी को पसंद आएगा। तो हमें घी का हलवा बनाने के लिए क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए वो हम देखते हैं। पर हाँ, उससे पहले घी का हलवा बनाने से पहले हमें एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी हम घी का हलवा बनाएं तो उसे हम थोड़ा सा काट कर चेक कर लें खा के कि कड़वा तो नहीं है, क्योंकि अगर बाद में हमने हलवा बनाया और वो घी कड़वा निकला तो हमारा हलवा सारा बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि कभी कभी घी ऐसा होता है कि वो अंदर से कड़वा निकल जाता है, तो इसलिए घी का हलवा बनाने से पहले घी को थोड़ा सा काट कर टेस्ट कर लें कि घी कड़वा है या नहीं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। घी के हलवा बनाने के लिए हमने घिया को कद्दूकस कर लिया है। एक कप हमने दूध लिया है, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने, बादाम लिए हैं, इलायची 7 से 8 और 1.5 कप चीनी ली है हमने। ये हमने 100 ग्राम खोया लिया है। खोए को मैंने गोल्डन ब्राउन भून लिया है हलवे में डालने के लिए। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। ये हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। इसमें हम अपना कद्दूकस किया हुआ घिया ऐड करेंगे और साथ ही जो हमने 1 कप दूध लिया है वो भी इसी में डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे। हमने ऐड कर दिया, अब इसे हमें 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है। हम चाहें तो इसे ढककर पका सकते हैं, पर मैं इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाऊंगी ताकि हमारा घिया नीचे से चिपक ना जाए। तो इसे कंटिन्यू हमें इसी तरह चलाते रहना है और जब ये हमारा घिया पक जाए और हमारा दूध इसमें से एकदम ख़त्म हो जाए उबल उबल कर, तो फिर हम इसमें अपनी चीनी वगैरह ऐड करेंगे। तो देखिए, अब हमने इसमें डाल दिया और हमें इसे बीच बीच में कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है। इसी तरीके से चलाते हुए जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। ये मैं अपने ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ और साथ ही हमने जो इलायची ली है हम उसको भी पीस कर उसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हमें कंटिन्यू हलवे को ऐसे ही चलाते रहना है बीच बीच में, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और जैसे जैसे हमारे दूध में उबाल आना शुरू होगा वो कम होता जाएगा। ये देखिए, हमारा दूध कितना कम हो गया और हमारा जो घिया है वो भी पक कर सॉफ्ट हो गया है, गल गया है बिल्कुल। हमें इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है। अब देखिए, इसका दूध बहुत कम हो गया है, तो अब हम इसमें जो हमने 1 चम्मच घी लिया है, 1 बड़ा चम्मच घी हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसे कंटिन्यू चलाएँगे। उसके साथ ही हम अब इसमें जो हमने 1.5 कप चीनी ली है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने चीनी ली है, हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं और इलायची पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर लिया है साथ के साथ ही, और हम इसमें चीनी भी ऐड कर रहे हैं। ये मैंने 1.5 कप चीनी जो ली थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। हमने जैसे ही चीनी डाल दी है तो चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया, यानी चीनी कैरमलाइज हो रही है। तो अब हमें फिर से इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक चीनी का पानी भी ना सूख जाए, और हमें चलाते इसलिए रहना है ताकि ये नीचे लगे ना, नहीं तो हमारा हलवा जल जाएगा। तो हमें इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है और जब चीनी का पानी सूख जाए तो फिर इसमें हम अपना जो हमारा मावा है जो हमने गोल्डन ब्राउन भून कर रखा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, हमारा चीनी का पानी सूख चुका है, हमारा घी एकदम अलग अलग हो गया है, अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें जो हमारा भुना हुआ खोया रखा है, जो हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया था खोया, उसे पीसेस करके या कद्दूकस करके इसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने इसको चम्मच से तोड़ तोड़ के इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसे चलाएंगे और साथ ही हम अपने ड्राई फ्रूट्स भी इसी में ऐड कर देंगे। अब हम इसे कंटिन्यू 2-3 मिनट चलाएंगे और गैस फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और हाँ, प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ घर में बनाइए और सभी को खिलाइए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बताना भूलिएगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अगर आप खोए की रेसिपी देखना चाहते हैं घर में खोया कैसे बनाएं तो वो भी मैंने बताई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
तो देखा आपने हमने कैसे बनाया घी का हलवा, वो भी बहुत ही चंद मिनटों में, और घर में सभी को पसंद आने वाला है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आने वाला है ये घी का हलवा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आप मेरी ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और जो मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय बाय।